14 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह। उसको कहते हैं वैलेंटाइन डे, इश्को मोहब्बत का दिन, आशिकों का दिन, महबूबाओं का दिन। इसकी ख़ास बात क्या, फूल का तोहफा पेश करना। गुलाब का फूल अगर 1 रुपये को मिलता है तो जब 14 फरवरी 13 फरवरी के शाम से 1 रुपये का फूल 5-6 रुपये में मिलेगा, उतना डिमांड है। लड़की भी लेकर रखती है, लड़का भी लेकर रखता है, जाकर अपने चाहने वाले को, अपने आशिक को देती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लड़के 4-5 फूल लेकर रखते हैं, इधर दे के आया एक लड़के को, उधर एक लड़के को देकर आया, उधर एक लड़के को, कितने लोगों से इश्क करता जी। नऊज़ु बिल्लाह। हमारी बच्चियाँ भी कॉलेज स्कूल को जाती होंगी, उनको शायद मालूम नहीं होगा, इतनी खबीस और इतना बुरा दिन है ये कि साहब इश्क व मोहब्बत का दिन वैलेंटाइन डे। अब वो कौन था, कौन से बादशाह की बेटी को कैसा वो क्रिश्चियन के किसी पादरी से या किसी पोप से मोहब्बत हो गई, साहब उसके वालिद ने इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि उसी के गम में खुल के मर गया वो, नऊज़ु बिल्लाह। कितनी बेहयाई की बात है, इश्क व मोहब्बत में घुल के दोनों मर गए, लैला मजनू की तरह, जैसे कहानी सुनाई जाती है वैलेंटाइन डे। अब औरतें अगर हमारी बच्चियों को नहीं मालूम होगा, कोई फूल देगा तो ले लेंगी, सब फूल दिया, क्या इसके पीछे है। वो ये कहता है कि तुमसे मुझे इश्क है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नऊज़ु बिल्लाह। ये कहती है राखी का बंधन, राखी एक ईद आती है, उसमें जो है भाई अपने बहन को डोरी बांधता है, 1 साल तक रहती डोरी, हो मोहब्बत का सबूत देता है। मोहब्बत का मतलब भाई बहन ना, तेरे वास्ते मैं कुर्बानी दूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा और तेरे वास्ते जीऊंगा, वो दूसरी बात है, वो हमारा तरीक़ा नहीं है, लेकिन वो उनके यहाँ है राखी का बंधन बांधते हैं। ये तो उससे ख़राब चीज़ है जो फूल ला के देते हैं, लिहाजा लड़कियों को इसका ख्याल करना चाहिए। ये बहुत बुरी बला है वैलेंटाइन डे, जो हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है, अगरचे कि आजकल हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई कि साहब ये तो हमारा तरीक़ा नहीं हिंदुओं का, लिहाजा जो भी ऐसा करेंगे उनको मारेंगे पीटेंगे फुलां करेंगे, फूल जो बेचता है उसकी दुकान को उजाड़ देंगे। वो दूसरे मकसद से करते हैं, ये नहीं कि साहब वो इश्क मोहब्बत की वजह से ऐसा करते, नहीं, वो कहते हैं कि साहब ये हिंदू रस्म नहीं है, कोई भी दूसरी रस्म है, हमारे मुल्क में क्यों आएगी ये, ऐसा करते हैं। तो औरतों का फितना बहुत बड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औरत जब घर से निकलती है बनाव सिंगार करके, इत्र लगा के, वो ऐसी है, ऐसी है का क्या मतलब है, वो जिना की दावत देने वाली औरत है। अब हमारे यहाँ कॉलेज स्कूल में जाने वाली बच्चियाँ 1/2 घंटा आधा घंटा तो कॉलेज स्कूल को जाने से पहले बनाव सिंगार में टाइम लगाती हैं, वो लिपस्टिक लगाओ, वो पाउडर लगाओ, वो इसनो लगाओ, और वो कंघी बराबर करो, फुलां करो, ये करो। हाँ, कितनी बड़ी वाइद, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फहिया कैता व कैता, ये औरत जो है वैसी वैसी है, यानी कि जिना की दावत देने वाली है। कोई लड़की इस तरह समझिए कि साहब सब बनाव सिंगार करके इत्र लगा के जाती है, इत्र की खुशबू में कितने लोग उसके शहीदाई हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि साहब इसके पास इतनी अच्छी खुशबू है, इन्हें कितनी अच्छी रहेगी, क्या क्या होगा। अल्लाह के रसूल ने क्या क्या समझाया, ये एक चीज़ है जिसको कहते हैं शहवत और सेक्स कहते हैं ना, ये सबसे ख़राब। अल्लाह ने हमारे जिस्म में बहुत सारे जज्बात रखे हैं, खाना, भूख लगती है खाना खाते हैं, देर हो जाए कोई परेशानी नहीं होती है, ज़रा हाथ पैर कांपने लगते हैं, कुछ भी होता मरता नहीं कोई भी, और कोई बुरा काम भी नहीं करता, पेशाब पाखाना उसको भी आमीन संभाल के कुछ कर लेता है, सब जिस्म के तकाजे हैं। ये तकाजा जिस्म का है जो बालिग होने के बाद
औरत और मर्द में पैदा हो जाता है, वही सेक्स रिलेशन हो जाता है। कि सब जज्बात कितने हैं उसके, कोई भी लड़की मिल जाए, काली हो, गोरी हो, मोटी हो, दुबली हो, इससे फिक्र नहीं, किसी भी तरह अपनी शहवत पूरा कर लेना, इसमें कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नौजवानों शादी की ख्वाहिश है शादी कर लो, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। कितनी सख्त सज़ा देखो इस्लाम के अंदर, अगर कोई लड़का लड़की जिना करते हैं शादी से पहले 100 कोड़े मारना, मामूली सज़ा है क्या? अल्लाह अकबर। छुप कर भी नहीं, पब्लिक में, वलयशहद अदाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, ऐलान कर देना, फला दिन जुमे की नमाज के बाद, हफ्ते की जोहर के बाद, फला के बाद 2 आदमी को सज़ा दे रहे हैं, पूरा दे, खड़े होकर देखते। नौबर मैंने भी देखा अपनी तालिब इल्म के ज़माने में, रियाज में, सऊदी अरब में, जामे मस्जिद कितनी बड़ी मस्जिद है, 4-5 हज़ार आदमी नमाज पढ़ेंगे रियाज की मस्जिद, नमाज होकर ज़र्री देर में मस्जिद खाली। हैरान हो गया साहब, क्या मस्जिद बंद करेंगे क्या? जल्दी से सुन्नत पढ़ कर मैं भी मस्जिद के पार गया, बड़ा एक ग्राउंड है, पूरे लोग खड़े हैं, 3-4 हज़ार आदमी के दूसरी मस्जिद में पढ़ का है तो उतने आदमी खड़े हैं, वैन ये खड़ी है, वो पढ़ते, फला आदमी ने फला लड़की के साथ जिना किया और उसको सजा दी जाती है, उतरता औता पड़ जाता, मारते तड़पता तड़पता 100 कोड़े, एक आदमी मारते जाता, एक आदमी गिनते जाता, 100 हो गए, चेहरा छुपा के जाके फिर भी वैन के अंदर बैठ गया, इल्ज़ाम लगाया जिना का, उसे भी 80 कोड़े मारो, कितनी बड़ी सज़ा है जी, अल्लाह अकबर। ये तो ज़िंदा रहता आदमी, लेकिन शादी के बाद अगर कोई जिना करता है, बीवी रहे, शादी हो गई, मर गई बीवी, तो दूसरी शादी करो, जिना किया, उसकी सज़ा कितनी सख्त है, संगसार करो, इन्हें पत्थर उठाकर मारो, कितना मारना, जान गए तक मारना, सब मारना, कत्ल कर देना आसान है, फांसी पर चढ़ा देना आसान है, ये तो पत्थर से मार मार कर इतनी सख्त सज़ा जी। तो देखो इतनी सख्त सज़ा होकर भी, मालूम होकर भी, वो टेम्पररी जो जज्बा उसके अंदर आता है, जिना कर बैठता है। जब लड़की राजी है कि जब ना जिना करेगा, दोनों राजी रहते हैं, अगर पकड़ कर ले जाके किसी को इस तरह किया, रेप किया, वो दूसरी बात है, उस लड़की को तो सज़ा नहीं देंगे, लड़के को सज़ा देंगे। ये सारे फितने जो हैं वो लड़कियों की वजह से हैं। अगर वो दीनदार हैं, जाती हैं कॉलेज को भी, स्कूल को भी जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सीखो, इल्म हासिल करो। हमारे यहाँ तो इंडिया के अंदर समझो कि 100 में 5 आदमी मदरसे में दीनी इल्म हासिल करते, 90 पर 5 लड़के लड़कियाँ कॉलेज स्कूल में जाकर तालीम हासिल करती हैं। दीन कुछ नहीं मानो, दीन से वाकिफ़ नहीं, माँ बाप को भी फिक्र नहीं, वो ये समझते हैं कि साहब हम अगर बच्चे को डिग्री दिला दें, बच्ची को डिग्री दिला दें, कमाएगी, खिलाएगी, अच्छी जगह शादी होगी, फुला होगा, आखिरत मिलेगी, वो नहीं सोचते, दुनिया मिलेगी, कमाएगी, मेरी बच्ची 20,000-25,000 ला के देगी, वो सोचती है, ये नहीं सोचती है कि सब दिन पढ़ाऊँगी तो मेरी बच्ची मुझे काम आएगी आखिरत में, मैं भी जन्नत को जाऊँगी, वो भी जन्नत, सब ख़त्म हो गया। दीनदारी होना चाहिए, इसलिए इस मसले में कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।